हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए, आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो मोड के बारे में। दोस्तों, एसी के रिमोट में एक बटन होता है मोड का, जब आप उसको प्रेस करते हो तो वहां पर ऑटो भी लिखा आता है एक टाइम पे, तो वही होता है ऑटो मोड। दोस्तों, कई सारे मोड होते हैं। कूल मोड होता है जब एसी ठंडी हवा थ्रो करता है और आप टेम्परेचर और फैन स्पीड को कस्टमाइज कर सकते हो। हीट मोड होता है जब एसी गर्म हवा थ्रो करता है और टेम्परेचर और फैन स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ड्राई मोड होता है ह्यूमिडिटी वाले डेज के लिए, और फैन मोड होता है जब कंप्रेसर काम नहीं करता, सिर्फ फैन काम करता है। और एक होता है ऑटो मोड, जिसको लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों क्लियर करेंगे सारी कन्फ्यूजन्स और जानेंगे कि ये ऑटो मोड होता क्या है, कैसे काम करता है, कब हमें इसका यूज़ करना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले सवाल से, और वो है व्हाट इज़ ऑटो मोड इन एयर कंडीशनर। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि काफ़ी सारे मोड होते हैं किसी भी एसी में। जो हॉट एंड कोल्ड एसी होते हैं उसके अंदर हीट मोड भी होता है, बाकी जो कूलिंग ओनली एसी होते हैं उसके अंदर हीट मोड नहीं होता है। तो दोस्तों, जितने भी मोड होते हैं उन सभी का मिक्सचर होता है ऑटो मोड। और यानी कि ऑटो मोड के अंदर जो एसी है वो फैन पे भी चलेगा, ड्राई मोड पे भी चलेगा, कूल पे भी चलेगा, हीट पे भी चलेगा। लेकिन चलेगा कब? दोस्तों, रूम के अंदर जो कंडीशंस हैं उसको डिटेक्ट करते हुए, रूम के अंदर जो टेम्परेचर है उसको डिटेक्ट करते हुए एसी ऑटोमेटिकली अपनी टेम्परेचर और फैन स्पीड को सेट करता है। इसको कहते हैं ऑटो मोड। यानी कि सीधा सा मतलब ऑटो मोड का ये है कि कंप्रेशर और फैन कब चालू होगा, कब बंद होगा, कितनी देर चलेगा, ये सारी चीज़ें एसी अपने आप डिसाइड करता है ऑटो मोड के ऊपर। तो ये तो हो गई बात कि व्हाट इज ऑटो मोड। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग इंडिया में कूल मोड पे ही एसी को चलाते हैं और टेम्परेचर को मिनिमम सेट करते हैं और फैन स्पीड को मैक्सिमम पे सेट करते हैं, यानी कि सारे घोड़े खोल देते हैं ताकि भाई ठंडक चाहिए हमें तो। लेकिन दोस्तों, ये तरीका सही नहीं होता है किसी भी एसी को चलाने का। इससे पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है और एक्सेस कूलिंग हो जाती है कमरे के अंदर, जो वेस्ट ही होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेन बात ये है कि जब आप ऑटो मोड पे एसी को लेते हो तो कुछ एसीज में प्रीसेट टेम्परेचर होता है 24 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 और 26। 24 से 26 के बीच में ही प्रीसेट आपको टेम्परेचर मिलेगा। ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। तो जब आप ऑटो मोड पे एंटर होते हो तो आपका एसी उस टेम्परेचर के लिए काम करना शुरू करता है। यानी कि रूम के अंदर 24 डिग्री, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 24 डिग्री आपने ऑटो मोड किया, अब एसी के अंदर सेटिंग है कि 24 डिग्री पे उसने परफॉर्म करना है, तो अब आपके रूम के अंदर 24 डिग्री मेंटेन बनाए रखने के लिए ऑटोमेटिकली वो कंप्रेशर की स्पीड को स्लो डाउन करेगा या स्पीड अप करेगा, फैन की स्पीड को कम करेगा, ज़्यादा करेगा, या जब नहीं ज़रूरत है तो बंद भी करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऑटो मोड के ऊपर एसी ऑटोमेटिकली करता है रूम के टेम्परेचर को सेंस करते हुए। तो ऐसे में दोस्तों बेनिफिट ये मिलता है, जब हम कूल मोड के ऊपर सपोज 24 डिग्री पे एसी चलाते हैं और फैन स्पीड को हमने पर्टिकुलर एक स्पीड पे सेट कर दिया, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो जाता है लेकिन फैन चलता रहता है, ठीक है, फिर कंप्रेशर दोबारा स्टार्ट होगा। लेकिन ऑटो मोड के ऊपर क्या होता है कि फैन भी जब ज़रूरत नहीं है तो फैन को भी बंद भी कर दिया जाता है या स्लो कर दिया जाता है, जब ज़रूरत है तो तेज़ कर दिया जाता है। तो वो एक कॉम्बिनेशन होता है कंप्रेशर और फैन के बीच में कि किस हिसाब से आपको कूलिंग प्रोवाइड करनी है ताकि कमरे के अंदर टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और पावर कंजम्पशन भी कम हो। तो पावर कंजम्पशन ऑटो मोड के ऊपर कम होती है, ये बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ मैं कि पावर कंजम्पशन अगर आपको या पावर सेविंग करनी है तो आप ऑटो मोड पे एसी को चला सकते हैं। यहाँ पर ये तो बात हो गई कि प्रीसेट टेम्परेचर होता है कुछ एसीज के अंदर, लेकिन कुछ एसीज ऐसे होते हैं ऑल वेदर एसीज हो गए, हॉट एंड कोल्ड एसीज हो गए, उनके अंदर
आप डिजायर टेम्परेचर सेट भी कर सकते हो, और जब आप डिजायर टेम्परेचर सेट करते हो तो फिर वो उस टेम्परेचर के ऊपर काम करना स्टार्ट करता है और ऑटोमेटिकली काम करता है। तो आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि ऑटो मोड के ऊपर अब अगर आप एसी को चला रहे हो तो वो पावर सेविंग करते हुए आपको कंफर्टेबल फील कराएगा। ये हो गई बिल्कुल क्लियर बात। अब बात करेंगे हम कि ऑटो मोड को यूज कब करना चाहिए, क्योंकि हर मोड का एक टाइम है। अब जैसे कूल मोड है, गर्मियों में कूल मोड यूज़ करते हैं, सर्दियों में हीट मोड हो गया, या फिर अब बारिश आएंगी मॉनसून वगैरह में हम ड्राई मोड यूज़ करेंगे, तो इस तरह से ऑटो मोड का भी यूज़ करें। दोस्तों ऑटो मोड यूज़ करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। और ऑटो मोड एक ऐसा मोड है जिसको आप किसी भी वेदर में, किसी भी क्लाइमेट में यूज़ कर सकते हो, और आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है एसी से, बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है, कंफर्टेबल फील करते हो आप, और पावर सेविंग का बेनिफिट भी आपको मिलता है। यानी कि अगर आपके पास कोई ऑल वेदर एसी है या फिर हॉट एंड कोल्ड एसी है, तो आप उसमें ऑटो मोड पे उसको चलाइए, आपको कोई भी सेटिंग्स कस्टमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आपकी रूम की कंडीशंस को सेंस करते हुए एसी आपको बढ़िया एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा। तो ऑटो मोड एक अच्छी चीज़ होती है। बाकी जिन एसीज के अंदर फिक्स टाइम फिक्स टेम्परेचर होता है, जैसे 24-25 में बता रहा था आपको, तो जो लोग हायर टेम्परेचर पर चलाते हैं, जैसे 27-28 पे चलाते हैं एसी को, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम 27-28 पे चलाते हैं तब भी हमें ब्लैंकेट लेना पड़ता है, तो वो लोग फिर ऑटो मोड ना यूज़ करें, क्योंकि फिर एक्सेस ठंडक हो जाएगी कमरे के अंदर। तो जो लोग अपने टेम्परेचर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं ऑटो मोड के ऊपर, वो लोग ज़रूर ऑटो मोड यूज़ करें, उससे उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बात करते हैं कि बेनिफिट क्या होते हैं ऑटो मोड के। तो दोस्तों ऑटो मोड का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपको पावर सेविंग का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। सपोज आपने 24 पे कूल मोड पे एसी को चला रखा है, कंपैरेटिवली 24 पे ऑटो मोड पे एक एसी को चला रखा है, तो ऑटो मोड वाला जो एसी है वो कम बिजली खाएगा, क्योंकि उसमें फ़ैन की स्पीड और कंप्रेसर की स्पीड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जाता है। जबकि कूल मोड के ऊपर आप फ़ैन को एक स्पीड पे सेट रखते हो, जनरली ऐसा ही होता है, हम छेड़ते नहीं हैं कभी। तो पावर सेविंग का अगर आपने बेनिफिट लेना है तो आप ऑटो मोड यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ह्यूमिडिटी कंट्रोल में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीके से काम करता है ऑटो मोड। जब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग मॉनसून में भी कूल मोड पे ही चलते रहते हैं, ड्राई मोड लगाना हमें याद ही नहीं रहता। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑटो मोड पे चला रहे हो एसी को, तो वो ऑटोमेटिकली ह्यूमिडिटी को सेंस करते हुए ड्राई मोड पे चलता है। यानी कि जो भी मोड उस टाइम रिक्वायर्ड होगा कमरे के टेम्परेचर के हिसाब से या कंडीशन के हिसाब से, वो उसी हिसाब से परफॉर्म करता है। तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल में भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है ऑटो मोड। और तीसरी चीज़ है कि आपको कंफर्टेबल फील कराता है और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपने अब टेम्परेचर अप डाउन करना है, फ़ैन की स्पीड अप डाउन करनी है, कमरे में एक्सेस ठंडक हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब आप ऑटो मोड पे डाल देते हो तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एसी अपने आप एडजस्ट करता है। तो दोस्तों ये थी सारी बातें ऑटो मोड के बारे में। होप सो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं मैंने। स्टिल अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की। दोस्तों ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साथ में बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। चलो दोस्तों अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।